नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ बेनामे की जमीन पर कब्जा करना हुआ मुश्किल, ग्राम प्रधान ने 5 लाख की मांगी रंगदारी। विकास खंड बिहार बाघराया थाना क्षेत्र के ग्राम धारूपुर के रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि धारूपुर की रहने वाली दीनानाथ सिंह राजपति देवी से लिया था रजिस्ट्री बेनामा। बेनामे की जमीन पर नहीं होने दे रहा है निर्माण कार्य ग्राम प्रधान धारूपुर आकाश सिंह, जबकि इस मामले को लेकर पीड़ित ने उपजिला अधिकारी को कुंडा को दिया था प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र पर एसडीएम कुंडा ने लेखपाल आरी को मौके का निरीक्षण करके रिपोर्ट देने की कही थी बात। लेखपाल कानून गो के निरीक्षण कर बेनामे को सही बताया था और मौके की दिया था स्थलीय रिपोर्ट। इस मामले को लेकर के क्या कहना है पीड़ित ज्ञानेंद्र सिंह का, आए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रतापगढ़ जिला बीओमरो अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, कहां से आए हैं, कौन सी परेशानी है आपको? मैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम धारूपुर, थाना बागरा, कुंडा, प्रतापगढ़। मामला हमारा है कि हमने धारूपुर में ही 26 नवंबर 2021 को दो जमीन ली थी। एक 389 नंबर भूमधरी जमीन है और एक आबादी की जमीन है, उसी नंबर के सामने है। उस जमीन हमने लिया दीनानाथ सिंह और राजपति सिंह से, जो निवासी धारूपुर के ही हैं, उनसे हमने ये जमीन ली थी। लेकिन जो वहाँ के वर्तमान प्रधान आकाश हैं, हमसे उसी समय से इस आबादी की ज़मीन पर पैसा मांगने लगे कि 5 लाख रुपए अगर आप नहीं देंगे आप समय तो आपको निर्माण नहीं करने देंगे। हमने जब उस पर घर बनाना चालू किया, जो अपनी हमारी भूमधरी है, तो भूमधरी पर भी इन्होंने हस्तक्षेप करना चालू किया कि पैसा नहीं दोगे तो नहीं बनाने देंगे। लेकिन प्रशासन से हमको मदद मिली, चूँकि हमारी नंबरी ज़मीन थी, उस पर सहयोग मिला और हम उस पर निर्माण कार्य करने में सफल रहे। लेकिन उसके लिए हमको प्रशासन और एसडीएम साहब का सहयोग लेना पड़ा। और उसके बाद जब हम अपनी आबादी की ज़मीन पर उसको हम पूरा बाउंड्री करने के लिए अपने हिसाब से उसको हम कार्य कर रहे थे 24 तारीख को, तो आकाश, आशुतोष गुप्ता और अपने कई साथियों के साथ आए। इन्होंने मारपीट करने का प्रयास किया और लेकिन यह है कि चूंकि गांव देश के और लोगों के आ जाने से बीच बचाव हो गया, लेकिन कट्टा लहराते हुए ये वहाँ से धमकी देते हुए कि अगर 5 लाख रुपये नहीं दोगे तुमको हम निर्माण कार्य नहीं करने देंगे। जबकि 26 नवंबर 2021 को हमने ये ज़मीन रजिस्ट्री कराई है, जो ये आबादी की ज़मीन है, 1,68,850 रुपये इसको हमने राजस्व दिया है, 37,000 कोर्ट फीस दिया है। और जब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो हम एसडीएम साहब के पास 23/6/2023 को ही गए थे, तो उन्होंने आरआई को, एसएचओ बाघराया और आरआई को से रिपोर्ट आख्या मांगी और ये कहा कि ये रिपोर्ट आप लेकर के आइए। तो हम इस रिपोर्ट पर, आप समझिए, इस एसडीएम साहब के एप्लीकेशन के बाद लेखपाल द्वारा ये प्रमाणित लेखपाल कानून को और एसडीएम साहब ने 26/23 को इस रिपोर्ट को प्रमाणित किया कि ज़मीन आपकी है। एसएचओ बाघराय को लिखा कि जाकर के इनकी आप मदद करिए, निर्माण कार्य कराइए, चूंकि ये ज़मीन बहनामे की ज़मीन है, इस पर साफ साफ किया हुआ है। लेकिन चूंकि आकाश कल की डेट में कप्तान साहब के पास गए हुए थे और झूठा और मनगढ़ंत कहानी वहाँ रच करके कप्तान साहब को जो बताया है, उसके बाद हमने जब देखा कि सोशल मीडिया पे अनाप शनाप इंटरव्यू दे करके हमारी सामाजिक छवि को धूमिल करने का और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जबकि उसको शासन के लोग आ करके मौका मुहाली देख सकते हैं। ना तो आकाश का वहाँ पर घर है, ना आशुतोष गुप्ता का वहाँ पर घर है, और जिनसे हमने ज़मीन लिया है वहाँ पर वो कब्जा दखल रहे हैं। दीनानाथ सिंह और राजपति देवी, उनकी भूमधरी ज़मीन 13 बिस्वा और जो उसके जस्ट सामने की ये आबादी है, जो जिस पर ये डिस्प्यूट कर रहे हैं, वो जब डिस्प्यूट तो पिछले 2-3 महीने पहले से ही कर रहे हैं, जब हमने घर बनाना चालू किया था उसी समय से कर रहे हैं, लेकिन नहीं सफल हुए। तो ये 24 तारीख को अपने साथियों के साथ आए, धमकी दिए जान से मारने की, क्योंकि गांव देश के लोगों के बीच बचाव से बात नहीं बढ़ी। बाघराय पुलिस आई, हमने एसएचओ बाघराय से बात किया, तो एसएचओ बाघराय ने सहयोग करते हुए दोनों पक्षों के ले गए, 151 कर दिया। लेकिन कल कप्तान साहब के पास इन्होंने झूठा और मनगढ़ंत कहानी करके आया हुआ, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, हम कप्तान साहब के पास पूरा कागज के साथ हम कल की डेट में हम अप्लीकेशन देंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमारी ज़मीन चूंकि बैनामे की है, दीनानाथ सिंह और राजपति देवी से हमने लिया है और ये लेखपाल कानून को एसडीएम आख्या है और एसडीएम साहब ने सचो बाघराय को इसको निर्माण कार्य कराने के लिए मार किया हुआ है कि जाकर के आप इनकी मदद करिए। हम कप्तान साहब से भी गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमको सुन लिया जाए, उसके बाद हम गलत हैं तो जो दंड देना हो हम इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर अनर्गल प्रलाप वर्तमान प्रधान कर रहा है, इस तरीके की न तो हमारी कोई सामाजिक छवि है, न तो कोई मामला रहा है, न तो इस तरीके की हमारी जीवन शैली है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन है कि हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है, हमारे खिलाफ मानहानि के लिए
कोर्ट भी जाएंगे। बाघराय पुलिस ने कुछ किया? बाघराय पुलिस ने 151 किया, बाघराय पुलिस ने न्यायपूर्णता से कार्य किया हुआ है, हमको पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग हुआ है। बाघराय प्रशासन ने भी आप समझिए इस मामले में इनसे साफ साफ कहा, पेपर की मांग किया था, लेकिन उसके बाद भी कल की डेट में हमको बुलाया गया था, कप्तान साहब के पास चले गए कि आकर के आप समझिए अपने अपने पेपर लेके आइए, और वहाँ मीडिया में अनर्गल प्राप्त करने लगे। उसके बाद फिर कल भी एसओ साहब ने बुलाया हुआ, लेकिन हम कल कप्तान साहब एसओ साहब दोनों लोगों से मिलेंगे अपने पेपर लेकर के।